आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर इन द फॉलोइंग एंड करेक्ट इट। चार पेयर्स दिए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो मिसमैच किया हुआ है और उसका करेक्ट सही करके बताना है। ए कह रहा है बायो मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। बी है इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। सी है एक्वेरियम अ मैन मेड इकोसिस्टम। और डी है पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एक एक करके देखते हैं इनको और पता करते हैं कि कौन सा जो है वो मिसमैच किया है। पहला है बायो मैग्निफिकेशन एक्यूमुलेशन ऑफ केमिकल्स एट सक्सेसिव लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। तो होता क्या है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बायो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिनका जो है बायो एक्यूमुलेशन होने लगता है क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब्सटेंसेस को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक मर्क्यूरी जो कि एक मेटल है, उसके अलावा DDT जो कि एक पेस्टिसाइड्स है, उसके अलावा सिंथेटिक पॉलीमर्स जैसे कि माइक्रोप्लास्टिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेटाबोलाइज नहीं कर पाते, तो ये जो है वो एक्यूमुलेट होने लगती हैं। और जब इनको इनके ऊपर के ट्रॉफिक लेवल्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंज्यूम करते हैं तो ये उनमें पास ऑन होते रहते हैं। दैट इज हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में ये जो केमिकल्स हैं ये बायो मैग्नीफाई होते रहते हैं, इनका बायो मैग्नीफिकेशन होता रहता है। तो ये जो पेयर है सही से मैच किया है। फिर दूसरा कहता है इकोसिस्टम बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जो इकोसिस्टम है वो एनवायरनमेंट के ऊपर है, लेकिन उसमें बायोटिक के साथ साथ जो ए बायोटिक फैक्टर्स हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो भी आते हैं। ए बायोटिक कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेटिक कंडीशंस, टोपोग्राफी उस जगह का क्लाइमेट, वहाँ का सॉइल प्रोफाइल, इस तरह की एबायोटिक चीज़ें भी काउंट होती है अलॉन्ग विद बायोटिक। बायोटिक में जो है वो फ्लोरा, वहाँ का फौना और किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके बीच में क्या इंटरेक्शन है। तो ये जो पेयर है ये मिसमैच किया है क्योंकि इसमें एबायोटिक पार्ट जो है वो मिसिंग है। सी कहता है एक्वेरियम अ मैन मेड इकोसिस्टम। तो एक मैन मेड इकोसिस्टम वो होता है जो कि क्रिएट ह्यूमंस करते हैं और उसको मेंटेन भी ह्यूमंस ही करते हैं। तो ये जो पेयर है ये बिल्कुल सही मैच किया है। जो एक्वेरियम है वो एक फिश टैंक के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स को रखते हैं। फिर डी कहता है पैरासाइट्स ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी पेयर बिल्कुल सही है। पैरासाइट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बाकी ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं एज देयर होस्ट और उनसे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स में वर्म्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो पेयर है ये भी सही है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।